कर्नाटक। बाइक टैक्सी के खिलाफ ऑटो चालक संघ ने आज बेंगलुरु में बंद का आह्वान किया है। यहां तक कि ओला ऑटो और टैक्सी ड्राइवर एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया है और चालकों से स्वेच्छा से इसे लागू करने का आग्रह किया है। इस बंद वॉलंटियरली, वी आर नॉट फोर्सिंग एनी ऑफ आवर ड्राइवर्स टू स्टॉप देयर ऑपरेशंस। वी आर रिक्वेस्टिंग टू पार्टिसिपेट वॉलंटियरली because of their financial conditions are very bad and many of our drivers families are struggling, so we are not forcing anybody. At the same time, we are requesting the government, this illegal bike taxi operation has to be stopped because this is illegal. We are fighting for this from last 3-4 years, more than 4 years. Government also aware of this operation, sir. तेलंगाना। भारी बारिश और ओलावृष्टि के बाद हजारों किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अन्य फसलों के साथ कई सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा। तेलंगाना के कई जिलों में मक्का, आम, पपीता, प्याज, कपास, टमाटर, मिर्च की फसलें सबसे अधिक प्रभावित हुई। ब्रिटेन। लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन ने खालिस्तानियों को कड़ा जवाब देते हुए एक विशाल तिरंगा उच्चायोग पर लहरा दिया है। बता दें कि रविवार को कुछ खालिस्तान समर्थकों ने लंदन स्थित इंडियन हाई कमीशन से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को उतारने की कोशिश की और खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में गौ सेवा आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी। बीफ प्रतिबंध करने पर होगा फोकस। महाराष्ट्र। औरंगजेब का तारीफ में लगाया व्हाट्सएप स्टेटस। पुलिस ने दर्ज की FIR। बताया जाता है कि यह मामला 16 मार्च का है। कोविड। शक में बिना जांच न ले एंटीबायोटिक दवाएं। बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार ने जारी किया संशोधित दिशा निर्देश। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। बीते 24 घंटों में 1000 के करीब केस। यूपी। पुलिस अधीक्षक को फोन कर मांगी 10 लाख रुपए रंगदारी। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई। तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर टेक कंपनी के CEO की मौत। पति के साथ टहलने निकली थी। महाराष्ट्र। थाने में शिव मंदिर कला महोत्सव में मची भगदड़। 11 लोग घायल। ORoP मामला। SC का रक्षा मंत्रालय की सील कवर रिपोर्ट लेने से इनकार। बकाया भुगतान पर समय सीमा बदली। बेंगलुरु। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बेलगावी से करेंगे कर्नाटक चुनाव अभियान की शुरुआत। अखिलेश यादव 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को सभी 80 सीटों पर हराएंगे। अखिलेश यादव का चौंकाने वाला दावा। दिल्ली। ईडी के दफ्तर पहुंची तेलंगाना CM की बेटी। दिल्ली के शराब घोटाले में आया है नाम। ज्योतिरादित्य सिंधिया। देश में ही बने हवाई क्षेत्र के उत्पाद। सिंधिया बोले 6 साल में दोगुने हुए हवाई यात्री।